हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि यदि आपने अपनी ग्राम पंचायत में यदि कोई व्यक्ति डेथ हो जाते हैं, कोई नागरिक की डेथ हो जाती है और उनका आप मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, या फिर किसी का बर्थ होता है, जन्म होता है और आप जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, और यदि आप ये चाहते हैं फ्रेंड्स कि किसी कारण से उनका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जो वो उचित जारी नहीं हुआ है या फिर उनका यहाँ से जारी नहीं होना था, तो आप उस डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट को फ्रेंड्स कैंसिल भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट को जारी करने के बाद भी, फाइनली जारी करने के बाद भी आप उसे अपने पंचायत पोर्टल से कैसे रद्द करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको सिंपली कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसके सर्च में आपको टाइप करना है सिंपली CRSORGI। ये फ्रेंड्स सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल होता है फ्रेंड्स, और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की फर्स्ट साइट ओपन होकर जाएगी, CRSORGI.gov.in बर्थ रजिस्ट्रेशन वाली। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल की ऑफिशियल साइट आपके सामने यहां पर ओपन होकर आ चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपनी पंचायत का यूज़र आईडी, पासवर्ड और उस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल आपको कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप चलिए हम यहां पर यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कैप्चा आप कोड आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे। इसके बाद फाइनली आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस में आपको लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर जाएगा। आप यहाँ पर से करेक्शन या डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमने ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में उस व्यक्ति की डेथ हुई थी, तो हमने यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट में होता है फ्रेंड्स, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से टाइप कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन पर सिंपली कर देंगे क्लिक। तो चलिए हमने सर्च वाले ऑप्शन पर कर दिया है क्लिक। यहाँ से फ्रेंड्स आपको जेंडर भी सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स, जो जो डिटेल बोले। उसके बाद आप यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। तो चलिए हमने सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जब आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो सर्टिफिकेट होगा फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। यदि अब आपको इस सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है फ्रेंड्स, जो रॉन्ग सर्टिफिकेट यदि बन गया है, तो आप यहाँ से इस कैंसिलेशन वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। और उसके बाद इस सर्टिफिकेट में पासवर्ड डालने के बाद सर्टिफिकेट को आप कैंसिल कर सकते हैं। रीज़न वगैरह आएगा फ्रेंड्स, रीज़न आप टाइप कर दीजिएगा किस कारण से आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये डिटेल आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक ज़रूर करेंगे।